दिल ना लगई हाँ, फेरू जानी आई हाँ कि अब जा 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 जान भूला जाई हाँ। हमारा से धनी बोला काहे खिसी आइलू, सुतही के बेरी तुहु मुहावा फुलैलू, लगेला गरमिया बनिया डोलाई देता हो ना ए राजा हो, हमारा ला कूलर लगवाइए देता हो ना ए राजा हो, हमारा ला कूलर लगा वही देता हो ना। दूसरा गाना था कि चूड़ी हरियर का ले आई है रे सावर का, पहिरी के नाचब छमा छम हाँ बोल बम। तीसरा गाना, सासू चाही माई जैसन, देवरा छोट भाई जैसन, हो खो जब बियाह वाए बाबा राम जी के जैसन दीहा, हमरो दुलह वाए बाबा। चौथा गाना था खेसारी बिया के साथ, कुकुर लेखा डांट के भगावो ना ए बाबू बहरिया हो ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड बिहार, मैं सूर्यदेव चौहान आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जो हमारे नए मेहमान बोलिए या जो बोलिए, हुस्न की मलिका, सुरों की मलिका अनुपमा यादव जी, जो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी गायक और एक स्टेज स्टार हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले तो ए टू जेड बिहार में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत प्रणाम है। और सूर्यदेव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप आज हमारे पास आए हैं और सभी से रूबरू कराने के लिए। सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे ये कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आप बिहार से हो या फिर उत्तर प्रदेश से हो। लोग मतलब ये कहते हैं कि ये बिहार के रहने वाले, इसलिए कि आप ज़्यादातर काम बिहार में ही करती हो। हाँ। तो दर्शक जानना चाहते हैं, ये कन्फ्यूज़न ऑलरेडी मंच पे भी कई बार होता है। तो जब लोग बोलते हैं कि अनुपमा जी तो बिहार से है, लेकिन मैं बता दूं कि ये मेरी कर्म भूमि है बिहार। मेरी जन्मभूमि गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र से। और मैं लगभग एक साल पहले, आज 8 तारीख को मेरा 1 साल कम्प्लीट हो गया इस फ्लैट का, मैं 8 तारीख को आई थी, 8 अक्टूबर को पटना में। और आज 1 साल मुझे कंप्लीट हो गया। और 1 साल से बिहार ने इतना प्यार दिया कि मत पूछिए। लोग यही कहते हैं कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं बेसिकली यूपी से हूँ। एक साल पूरा होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। 1 साल में मैंने इतने मेहनत की है, आप सबने प्यार दिया है कि पेज पे भी मेरे फॉलोअर्स 4.1 मिलियन हो गया है। और आप अपने पेज का नाम बता दीजिए। अनुपमा यादव, सिंगर अनुपमा यादव पेज आप डालेंगे, सबसे ऊपर मेरा पेज है। वैसे तो बहुत सारे फेक आईडीज बनते रहते हैं, लेकिन मेरा जो चैनल है वो सबसे ऊपर आता है, सिंगर अनुपमा यादव। और जिसके बैकग्राउंड में लिखा हुआ है कि मैनेज बाय अंशु पंचे, इसको मैनेज करते हैं। सही बात। और सबसे पहला एक बात रहेगा, जो आपको रातों रात स्टार बना देने वाला कौन सा वो गाना आया और कब आया वो गाना जो आपको रातों रात स्टार बना दिया? मेरा एक बर्थडे आता है 12 दिसंबर को। वैसे तो मैं छुट्टी के दिन में पैदा हुई हूँ 12 जून को, बट टीसी मार्कशीट के हिसाब से मेरा बर्थडे है 12 दिसंबर। और शुरू से ही मेरे स्कूल में कॉलेज में लोग मुझे बहुत मानते थे, तो मेरा 2 बर्थडे पड़ता था। एक छुट्टी में पड़ जाता था तो वो लोग मनाते नहीं थे, तो सब गर्मी की छुट्टियों में निकल जाते थे। तो एक और मेरा बर्थडे पड़ता था, मुझे लगता है कि 12 दिसंबर 12/12/1998 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो वो लोग क्या करते थे कि मेरा जन्मदिन 12 दिसंबर को ही मनाते। तो 12 दिसंबर को मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं शिवेश मिश्रा, उनके भैया का उस दिन बहु भोज था। तो बहु भोज के दिन क्या हुआ कि हम लोग कार्यक्रम करने गए, तो शिवेश के यहाँ हम लोग कार्यक्रम करने गए, तो वहाँ पे मैंने एक गाना गाया था। शुरू में स्टार्ट किया था डरते डरते। पहला तो गाना गाया था कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, ये भी गाने को लोगों ने मिलियन प्यार दिया था संगम हिट्स पे। और दूसरा गाना मैंने जो सबसे ज़्यादा हिट गाना गाया, जिसको पूरे पटना में, पूरे बिहार में अगर मैं गा दूं तो पक्का है कि पब्लिक पागल, वो गाना था बेगूसराय में, कि दिल ना लगई हाँ फेरू जानी आई हाँ कि अब जा 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 जान भूला जही हाँ। और इसके बीच बीच के जो भी गाने हैं गुंजन सिंह के, उसमें बीच में कुछ लाइन और थे उसके गाने में, हाँ, कि तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रहे कि जियते शरीरिया
हो कि जियते शरीरिया बेजान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे। बहुत सुंदर। और ऐसा है कि पवन सिंह के साथ एक गाना आपका आया पुदीना वाला, और कितना उस समय कैसा लगा आपको जब पवन सिंह एक बहुत बढ़िया स्टार है भोजपुरी के, तो आपको कैसा लगा एक समय जब आप उनका ऑफर आया होगा कि आपको गाना गाना है? ये ऑफर मुझे आया था मेरी बुआ के तिलक के दिन, मेरी बुआ का उस दिन तिलक था। बट मेरे पास विक्की भैया का फ़ोन आया, पवन जी के जो मेन खास हैं विक्की भैया, अमित जी सबका, तो मैं पहले विश्वास नहीं किया। मैंने कहा क्या विक्की भैया, आपको मुझसे ही मजाक करने का मौका मिला है? तो बोलते ना सच में। तो उन्होंने अमित जी को फ़ोन लगाया, अमित जी ने पवन जी को फ़ोन लगाया, और पवन भैया से मेरी बात हुआ। पवन भैया ने बोला कि तुम आओ, मैं तुमसे एक गाना गवाना चाहता हूँ। तो मैं वहाँ गई, तो भैया ने बोला कि गाओ। मुझे चार लाइन गाने में 4.5 से 5 घंटे लगे थे। अच्छा। हाँ, वो मूड गाने में, क्योंकि जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं उसके सामने अगर बैठ के गाएं तो आवाज़ तो नहीं निकलेगी। फिर भी जब मैं गा के बाहर निकली तो पवन भैया कहे कि तुम तो गाली, कितने लोग का तो आवाज़ भी नहीं निकलता है मेरे सामने। और मेहनत किया मैंने, और उसके बाद आज वो मेरी जीवन का सबसे बड़ा हिट गाना हुआ दिल ना लगैया के बाद। 1000 बिलियन, तो कहते हैं ना कि बिलियन में वो सॉन्ग होने वाला है। हाँ, और उस पर सबसे ज़्यादा टिकटॉक, सबसे ज़्यादा इंस्टा, सबसे ज़्यादा वीडियोस बनने वाला वो एकमात्र इस साल का सबसे बड़ा हिट गाना है, वो पुदीना हसीना। और वो गाना लॉन्च हुआ है वेब म्यूज़िक कंपनी। थोड़े से जो आप उसमें गाए थे उस लाइन को गाएंगे, लेकिन शुरू थोड़ा सा उसका गा देंगे। अच्छा, मतलब मैं समझी, मतलब शुरू में जो पवन सिंह ने गाया पुदीना, हाँ, उसके बीच में आपने लास्ट में गाया आपने, हाँ, ना, तो शुरू से शुरू में थोड़ा सा और लास्ट में पवन सिंह का भी। अच्छा। और अपना भी, दोनों गाना। अच्छा, वैसे तो ये मंच पे गाना सबसे पहले मैंने शुरू किया, पवन भैया तो कहाँ स्टेज अभी नहीं कर रहे, लेकिन सबसे पहले मंच पे मैंने गाना शुरू किया। आज देखती हूँ सारे कलाकार गाते हैं, जैसे दिल ना लगैया मैंने शुरू किया था, आज सभी लोग गाते हैं और मेरी स्टाइल में गाते हैं, तो बहुत खुशी होती है ये देख के। तो इसलिए कि कुछ तो अच्छा मैंने किया। तो इसमें गाना था कि नाइल बानी तो हरा गलिया केने बारू हमारे ललिया देखा नाइया रहवा के कैसान भइल बाहलिया बढ़ता बेचैनी ये दादा मुश्किल भगिल बाजीना लेला पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना गरिया के हसीना। ऐसे मेरी लाइन थी कि काहे लयाइल बड़ा मिले हो भीतर से मन हमर हिले हो पकड़े बा ता दुख बड़ी होई मोरी मैया अरे जाय निर दैया आ जाइ है भैया जाय निर दैया आ जाइ है भैया जाय निर दैया। अभी तक आपके सबसे बेस्ट कलाकार मतलब कौन से हैं? मतलब कलाकार सभी हैं, लेकिन बेस्ट जो होते हैं सबके अपने अपने फेवरेट होते हैं। सिंगर या फिर एक्टर में? सिंगर एक्टर दोनों में। आज सिंगिंग में तो पवन जी को सबसे ज़्यादा मानती हूँ। पवन जी हो गए, अंकुश जी हो गए, ये लोग की गायकी मुझे बहुत पसंद है। और एक्टिंग में खेसारी भैया हमारे, उनकी भी गायकी पसंद है। जैसे उन्होंने गा दिया कि जा जाई बूता जा ए सनम देख के जिंदगी भर खा ते जखम जनी सोचा हमरा बारे में तहरा खातिर हमर मायल न रहे ये प्यार काले परसों के काहिल न रहे भुला गईलु वैसे जैसे भाहिल न रहे। ये गाना मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसको लिखा आदरणीय मेरे गुरुजी अजीत हलचल भैया ने, और मैं उनके गाने सबसे ज़्यादा गाती हूँ मंच पे, चाहे वो एगो हम हमर दिल हो और चाहे दिल ना लगैया हो और चाहे बहुत सारे गाने हैं। पवन पांडे जी का भी गाती हूँ कि हमरा खूटा से खुला जे बुका हो, बहुत सारे गाने हैं। ये गाना याद है आपको, खूटा से खुला जे बुका हो? थोड़ा याद है कि हमरा खूटा से खुला जई बुका हो कि शादी होते जान भूला जई बुका हो कि हमरा खूटा से खुला जई बुका हो शादी होते जान भूला जई बुका हो।